तो मैंने देखी फिल्म ऑटोमेटा। तो आखिर ये फिल्म कैसी है, फिल्म दमदार है या नहीं, चलिए इसे बारे में बात करते हैं। तो देखो ये एक साइफाई ड्रामा है जहां पर हमें देखने को मिलता है एक ऐसे दुनिया जहां पर पिलग्रिम्स यानी कि इंसानी रोबोट्स एक तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं या फिर एक तरीके से उनके गुलाम हैं, नौकर हैं जो इंसानों के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई है कि इन कुछ रोबोट्स में एक तरीके से उनके सिस्टम में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो गई हैं जिसका पता लगाने के लिए जैकब को भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर इन रोबोट्स के सिस्टम में ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई है और आखिर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या ये नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है और इन सबको कौन कर रहा है या फिर इन सब के पीछे की वजह क्या है। अगर ये सब आपको जानना है यानी कि उस इन्वेस्टिगेशन को अगर आपको फॉलो करना है और पता लगाना है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं तो तब तो ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। जो कि देखा जाए तो मैं आपको रिकमेंड तो करना चाहूँगा क्योंकि हाँ फिल्म में वो बात तो है कि एक बार देखना तो बनता है, लेकिन यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि एक साईफाई ड्रामा है और साईफाई से ज़्यादा इस फिल्म में ड्रामा पर फोकस किया गया है और ड्रामा भी मैं क्या बोलूँ, इन्वेस्टिगेशन पर ज़्यादा फोकस करती है ये फिल्म कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उन सब का जैकब किस तरीके से पता लगा रहा है, क्या वो पता लगा पा रहा है नहीं लगा पा रहा है, इसको इस मूवी में दिखाया गया है और फिल्म का जो पूरा फोकस है वो इसी पर रहता है। और इसको इस फिल्म में इतना बढ़िया इतना मज़ेदार और कमाल तरीके से दिखाया गया है ना कि आप एक तरीके से स्टक हो जाओगे मूवी के साथ में। और मूवी जो है वो भले ही मतलब देखा जाए तो काफ़ी लंबी फिल्म है ड्रामा के हिसाब से, लेकिन फिल्म जो है वो इतना तगड़ा तरीके से इंगेज करके रखती है ना कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि फिल्म लंबी है या फिर फिल्म थोड़ी सी बोर कर रही है, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा। तो ये मुझे इस फिल्म की एक सबसे ज़्यादा खास और बढ़िया बात लगी है और उसी वजह से ये जो फिल्म है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी, जो कि ये है। क्योंकि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, मूवी का कॉन्टेंट को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। और वही एक बात है इस फिल्म की जो कि आपको बांधे रखेगी और ये फिल्म जो प्रोमिस करती है वो देती भी है। हालांकि इस टाइप की आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी मैं मानता हूँ, पर ये भी उन फिल्मों में से एक है जिसको आप देखोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आप काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन भी होगे। और यहाँ पर ये जो फिल्म है एक तरीके से देखा जाए तो इमोशनली आपको क्या मैं बोलूँ, तो ये फिल्म मैंने बताया कि ड्रामा पर भी फोकस तो करती ही करती है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फिल्म है मतलब एक तरीके से फैमिली और ये इमोशंस वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। तो ये जो फिल्म है ना एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी फिल्म मुझे लगी है जिसको अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग ये मूवी है। और अगर आप चाहो तो इस फिल्म को फैमिली के साथ भी बैठ कर देख सकते हो, इन्जॉय भी कर सकते हो। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि अगर आपके फैमिली में इस टाइप की फिल्मों को लेकर अगर इंटरेस्ट है, अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं और अगर तब जाकर आप उनको ये फिल्म दिखाओगे ना तो उनको भी ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ड्रामा पसंद है तभी ये फिल्म आप देखना वरना ये फिल्म मत देखना, क्योंकि जिनको ड्रामा इतना पसंद नहीं है ना अगर वो इस फिल्म को देखेंगे तो हो सकता है कि ये फिल्म उनको बोर करे, ये फिल्म उनको थोड़ा सा स्लो लगे या फिर उनको लगे कि यार फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये फिल्म किस तरीके की ऑडियंस के लिए, किस तरीके की ऑडियंस के लिए नहीं है और बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा रहा इस फिल्म को लेकर, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बहुत नेक्स्ट लेवल की फिल्म थी, पर हाँ इतनी अच्छी फिल्म ज़रूर है जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप इस टाइप की फिल्में देखते हैं तो ही। बाकी अगर आपने ये फिल्म देखा तो कैसा रहा आपका इस फिल्म के साथ एक्सपीरियंस, आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। जोहार।